सिनेमा आई थी तो रानी चटर्जी ने प्रोड्यूसर से बोला कि इतना गंदा हीरो कहां से लेके आ गया। आज आप लोग के प्यार से तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का। दोस्तों उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है दोस्तों, वो बहुत स्ट्रगल करके आज इस मुकाम को हासिल किया है दोस्तों। आज उनके फैंस की बात की जाए दोस्तों तो सिर्फ इंडिया में नहीं उनके बल्कि विदेशों में भी फैंस है जो खेसारी लाल यादव जी को प्यार करते हैं दोस्तों, लाइक करते हैं उनकी एक्टिंग को, उनकी डांस को, उनके गाने को और उनके फिल्म को दोस्तों। विदेशों के लोग भी प्यार देते हैं दोस्तों। उनका एक गाना था ठीक है जो आप सुने होंगे, उस गाने को विदेश के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया दोस्तों। वहीं हम आपको बता दो दोस्तों कि जब खेसारी लाल यादव जी का पहला सिनेमा आया था तो भोजपुरी के एक्ट्रेस हैं रानी चटर्जी, उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा था दोस्तों कि आप इतना गंदा हीरो कहाँ से लेके आ गए। तब खेसारी लाल यादव जी को बहुत दुख हुआ था दोस्तों कि आज हमें लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन दोस्तों समय बदलता है, समय एक जैसा नहीं रहता है, आज समय बदल चुका है दोस्तों। आज वही रानी एक्ट्रेस जो कि दोस्तों आज खेसारी लाल यादव जी के काम करती हैं, आज रानी चटर्जी कहती हैं खेसारी से अच्छा कोई सिनेमा किया जाए। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों वक्त वक्त की बात है, आज वक्त बदल गया है दोस्तों। आज वही रानी चटर्जी खेसारी लाल यादव जी के साथ में काम करती हैं जो एक दिन उन्हें गंदा बोला करती थी। उनका एक फिल्म आया है रानी चटर्जी के साथ में जो शायद आप लोग देखे होंगे, नागिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर फिल्म हुआ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्यार मिला उस फिल्म को। तो दोस्तों वक्त की बात है, आज खेसारी लाल यादव हम लोगों के लिए गर्व की बात है दोस्तों, हमें उन पर गर्व है। बिहार का एक हीरो जो कि आज विदेशों के दिलों पे भी राज करता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वो मैं काम किया तो अपने परछाइयों से हटना बहुत कठिन होती है भाई। मैं बॉम्बे शहर में गया तो हर डायरेक्टर हर प्रोड्यूसर, यहाँ तक कि रानी चटर्जी की मैं बात नहीं बोलूंगा, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। जब मेरी पहली सिनेमा आई थी तो रानी चटर्जी ने प्रोड्यूसर से बोला कि इतना गंदा हीरो कहाँ से लेके आ गया। आज आप लोग के प्यार से वही रानी चटर्जी खेसारी से काम करने के लिए कहते हैं कि अच्छा कोई सिनेमा किया जाए। तो होता है, आप अपने आप को बदल